वेलकम टू ग्रीन मैथ ऑनलाइन बेसिक कोर्स। आइए देखते हैं हमारे आज के इस लेसन में क्या है। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात है कि उन पेयर्स का पता होना चाहिए जिनको मिला के 10 बनते हैं। 1 + 9 = 10, तो 1 और 9 पेयर हो गया। 2 + 8 = 10, फिर उसके बाद 3 + 7 = 10, फिर 4 + 6 = 10 एंड 5 + 5 = 10। तो अब ये नंबर्स जो इस तरह के होते हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, ये बहुत यूज़फुल नंबर होते हैं, बहुत काम आते हैं, और इनको हम मल्टीपल्स ऑफ 10 कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 से स्टार्ट होते हैं और फिर 10-10 करके बढ़ते रहते हैं। यानी जैसे मैंने इस 40 को लिया, अगर तो इस 30 और 40 में 10 का डिफरेंस होगा, तो इस तरह बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें मल्टीपल्स ऑफ 10 कहते हैं। अब अगली बात देखें, लेट से हम 39 को लेते हैं। अब 39 किस मल्टीपल ऑफ 10 के क्लोज है? 40 के करीब है। और कितना कम है 40 से? 1 कम है। और लेट से 58 को हम लेते हैं, 58 किस मल्टीपल ऑफ 10 के करीब है? 60 के। और कितना कम है? 2 कम है। तो अब ये बात जो है, ये हमें मदद कैसे दे सकती है एडिशन में? लेट से हमें क्या करना है, हमें करना है 38 + 5 कैसे करेंगे? अब 38 किसके करीब है? मल्टीपल ऑफ 10 जो है वो 40 है करीब। और कितना कम है? 2 कम है। तो जब हमने 38 से सीधा जंप किया 40 की तरफ, तो ऑलरेडी हमने 2 ऐड कर दिया। और वो 2 कहाँ से आया? वो 2 इस 5 में से आया। तो इस 5 में बाकी कितना बचा? 3। तो फिर 3 और जो है इसमें जब ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 43। ये हमारा आंसर है। 38 + 5 क्या हुआ? 43। अब यही सेम चीज़ हम नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो पहले हम यहाँ 2 जंप करेंगे, उसके बाद 3 जंप करेंगे, तो हम 43 पे पहुँच जाएंगे। तो 38 + 5 = 43। और हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। लेट से हमें 5 + 77 का आंसर चाहिए, तो ये हमें वही आंसर देगा जो 77 + 5 देगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका ऑर्डर किस तरह है, 5 + 77 है या 77 + 5 है, सेम आंसर आएगा। तो इसमें अब क्या करेंगे? 77 किसके करीब है? 77 किस मल्टीपल ऑफ 10 के करीब है? 80 के। और कितना लेस है उससे? 3 लेस है। तो जब हमने 77 से 80 की तरफ जंप किया, तो ऑलरेडी हमने 3 ऐड कर दिया, और वो 3 इस 5 में से आया, या हम कह सकते हैं इस 5 में से आया। तो जब 5 में से 3 ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो बाकी कितना बचा? 2 बचा। तो फिर जंप करेंगे 2, तो फिर क्या बनेगा? 82। तो इसका क्या मतलब है कि 5 + 77 या 77 + 5 = 82। तो की पॉइंट्स क्या हुए इस लेसन के? द पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट एड अप टू 10, रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड यूजिंग देम फॉर एडिशंस, एडिंग विद द नंबर लाइन, और द ऑर्डर ऑफ एडिशंस कैन बी रिवर्स्ड इफ वी वांट। अगर आप ये चाहते हैं कि आप चलते फिरते ह्यूमन कैलकुलेटर कहलाएं या लोग आपको मैथ जीनियस कहें, तो हम हर लेसन के बाद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रहे हैं, अगला लेसन करने से पहले उनको उनकी प्रैक्टिस करें डेली, और इस कोर्स को आखिर तक मुकम्मल करें।